दोस्तों वीडियो में दिख रहा है आपको एयरटेल एक्स स्ट्रीम और जियो फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोनों इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एयरटेल की जो हमारी स्पीड है 40 Mbps वाली है, वहीं पर जियो की जो हमारी स्पीड है वो 30 Mbps वाली है। 30 Mbps जियो की जो मंथली प्लान है 399 रुपये प्लस GST, और एयरटेल की हमारा जो प्लान है 588 रुपये पर मंथ मैं पे करता हूँ, 499 रुपये पर मंथ का इसका है, जो कि GST वगैरह लग के 588 रुपये कुछ पैसे जाता है। अब आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इनके स्पीड को टेस्ट करके दिखलाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, दोस्तों जियो और एयरटेल अपनी अपनी चॉइस है, मगर दोस्तों चॉइस से काम नहीं चलता, स्पीड से काम चलता है। पैसा कोई भी देता है तो दोस्तों उसका भरपूर मज़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी भविष्य में लगवाना चाहते हैं एयरटेल या जियो का इंटरनेट कनेक्शन, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पक्का है आप वही लेंगे जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मगर दोस्तों एक बात और मैं बताता चलूं, ये आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने एरियो में भी देख लें, किसी के वहां इन दोनों कंपनियों के बॉक्स लगे हों, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हो, तो उनके इंटरनेट को आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ। तो उससे पहले बता दूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गूगल में स्पीड टेस्ट लिख दिया है, अब नीचे आते हैं, ये सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, और ये देखिए हमारा जो एयरटेल का अभी मैं यूज कर रहा हूँ, इसका 40 Mbps स्पीड है। तो हम यहाँ रन टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसकी स्पीड को चेक करेंगे, जो कि आप लोगों की आंखों के सामने दिख रहा है। इसका Mbps डाउनलोड स्पीड आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 47.6 Mbps। वहीं पर अपलोड जो है अभी ये क्लियर हो जा रहा है 35 Mbps है। अब इसको हम हटाते हैं और अब हम यहाँ से इंटरनेट हटा देते हैं, ये हमारा एयरटेल का था, ठीक है, और अब हम अपना जियो का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जियो का कनेक्ट हो गया, ठीक है, देख लीजिए एयरटेल का पहले कनेक्ट था, ये जियो का कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बार और हम इसे करते हैं, यहाँ पर भी स्पीड टेस्ट 40 Mbps लिख रहा है, लेकिन इसकी स्पीड को चेक करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 30 Mbps वाला प्लान है, 10 Mbps डाउनलोड है, और दोस्तों यहाँ पर 9.33 ये जियो का है, ठीक है। अब मैं इसे एग्जिट करता हूँ और अब मैं आपको मोबाइल का दिखा देता हूँ, मोबाइल का आप देख लेते हैं इसको एक बार और, स्पीड टेस्ट एक बार और हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसमें भी 40 Mbps दिखा रहा है, देख लो वाईफाई नहीं कनेक्ट है। अब जियो फ़ोन का है, जियो मोबाइल का देखते हैं स्पीड कितना है, ये तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो जियो मोबाइल का ही सबसे बेस्ट है, 95, 96, और ये देखिए अपलोड, अपलोड का देख लीजिए 9.36, तो इसमें अपलोड का कम है, ये देखा आप लोगों ने।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, मैंने तीनों लगा दिया है, तीनों का स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जियो, एयरटेल और मोबाइल का। दोस्तों अगर आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन बाई करते हैं तो आपको 300 रुपये तक का फ़ायदा होगा। 300 रुपये का आपका फ़ायदा नहीं, आपका कूपन मिल जाएगा। और अगली बार जब आप 588 का रिचार्ज करेंगे तो सिर्फ आपको 200 रुपये के आसपास में ही पेड करना होगा और हर महीने आपको 300 रुपये मिल सकता है। लेकिन शुरुआत में पहला वाला तो पक्का है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाएं, आप एयरटेल का कनेक्शन बाई कर सकते हैं, लेकिन अपने एरिया में भी चेक करके ही बाई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना न भूलें।